please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एट रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से प्रिंटेबल वेडिंग एल्बम डिज़ाइन करते हैं। सब कुछ प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक समय बोल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2019 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है भी, तो आप इजीली यहाँ पर किसी भी तरीके का डिजाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, वेडिंग एल्बम बनाने के लिए सबसे पहले आपको पीस का साइज क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए दोस्तों, आपको जाना है लेआउट के अंदर। ध्यान से देखिए, लेआउट के अंदर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है साइज के अंदर जाना है। साइज़ के अंदर जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है मोर पेपर साइज के अंदर। यहाँ पर क्लिक करते हुए दोस्तों, आपको साइज देना है विड्थ पर 22 इंचेस और दोस्तों हाइट पर 8 इंचेस देना है। आप लोग देख सकते हो 22x8 का साइज देना है दोस्तों आपको, और सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीस का साइज आ चुका है दोस्तों। कंट्रोल होल्ड करते हो, माउस का स्क्रॉल डाउन करते हो, इस तरीके से साइज देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर मार्जिन्स के ऊपर में क्लिक करते हो, आपको दोस्तों नैरो मार्जिन सेलेक्ट करना है। नैरो मार्जिन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर एल्बम के लिए एक साइज क्रिएट होकर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर इजीली एल्बम डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आपको एल्बम डिजाइन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कंसेप्ट बनाना है। उसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं सिंपली इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए शेप्स के ऊपर में जाकर ये वाला एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से दोस्तों एक रेक्टेंगल इस तरीके से प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, इसको आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए कॉपी करते हुए यहाँ पर प्लेस करते हुए इसको दोस्तों यहाँ से इधर की तरफ इस तरीके से ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पीस रेडी होकर आ चुका है, यानी कि डिजाइंस के ऊपर मैं यहाँ पर रेडी कर चुका हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर मैं एक पिक्चर्स ऐड करूँगा, इसके ऊपर मैं भी पिक्चर्स ऐड करूँगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पिक्चर्स ऐड करूँगा, फॉर्मेट के ऊपर में क्लिक करते हुए सेव फिल के ऊपर में जाकर पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करते हुए दोस्तों फ्रॉम फाइल करते हुए मेरे पास दोस्तों डी ड्राइव के ऊपर में डिजाइंस कलेक्शन के ऊपर में डेस्कटॉप फाइल के ऊपर में वेडिंग के ऊपर में दोस्तों यहाँ पर मेरे पास इमेजेस से दोस्तों मैं यहाँ पर इमेजेस सेलेक्ट करूँगा। तो आप लोग देख सकते हो ढेर सारे इमेजेस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ दोस्तों गूगल से। आप भी इसी तरीके का इमेजेस वगैरह गूगल से डाउनलोड करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, आप लोग जो भी इमेजेस आपके पास है वही इमेजेस आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों ये वाला मैं इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, जैसे इसको इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस आ चुका है। इमेजेस आने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको फॉर्मेट के ऊपर में क्लिक करते हुए क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करते हुए यहाँ से दोस्तों सबसे पहले फिट करना है। फिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते इस तरीके से आपको इमेजेस को ड्रैग करते हुए बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों इधर के साइड इस तरीके से प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आप लोग देख सकते हो जितना हो सके आपको नीचे की तरफ प्लेस करते इस तरीके से मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इमेजेस रेडी होकर आ चुका है। अब आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भी क्लिक कर, आप शायद इसको थोड़ा सा साइज इस तरीके से कम करते हो, यहाँ पर आपको गैप जैसा लुक निकाल सकते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपको इमेजेस यूज करने से फिल के ऊपर में जाकर पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करते आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हुए पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करते हुए फ्रॉम फाइल करते हुए आपके पास जो भी इमेजेस है वही इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों आप चाहे तो वेडिंग कपल का इमेजेस यूज कर सकते हो, वाला इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के बाद इसको भी आपको फॉर्मेट क्रॉप फिट करना है। फिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको दिख रहा हो दोस्तों यहाँ पर एक डॉट है, सिंपली इस वाले डॉट से शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से ड्रैग करते हुए आपको थोड़ा सा बड़ा करते हुए थोड़ा सा नीचे करते हुए इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट कर सकते हैं। प्लेस करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर एल्बम भी क्रिएट होकर आ चुका है। आने के बाद दोस्तों आपको इसके ऊपर में आउटसाइड बॉर्डर या फिर बॉर्डर वगैरह इसको बनाने हैं, तो यहाँ से आपको बॉर्डर्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, जो भी बॉर्डर पसंद है। मुझे दोस्तों बॉर्डर नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं ये वाला ही यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से कम्प्लीटली यहाँ पर काम हो चुका है। होने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी मैं एक और शेप क्रिएट करूँगा। उसके लिए दोस्तों इंसर्ट शेप्स और दोस्तों यहाँ पर ये वाला शेप्स क्रिएट करते हुए इस तरीके से यहाँ से
शेप ड्रॉ कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर प्लेस करते हैं इसको थोड़ा सा इधर करते हुए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। मैनेज करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइज कम करते इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसको व्हाइट कलर फिल करते आउटलाइन नो आउटलाइन करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट शेप्स के ऊपर मैं क्लिक करते हुए यहाँ पर दोस्तों फिल के ऊपर मैं जाकर इस वाले को ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो जो भी कलर आपको पसंद है दोस्तों, ये वाला कलर भी आप चाहते दे सकते हो। इसको सिंपली यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम कर देना है दोस्तों, देख सकते हो व्हाइट या फिर ये वाला कलर, आप लोग जो भी कलर इसके अंदर पसंद है आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर दे सकते हो। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लिटिल बिट आपको कम करना है तो यहाँ से भी आप इजिली कम करते हुए मैनेज कर सकते हो। मैनेज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भी इमेजेस अप्लाई करना है। उसके लिए सबसे पहले काम आपको यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर्स, और दोस्तों यहाँ से ये वाला इस तरीके से शेप सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इस तरीके से करते हुए आपको थोड़ा सा शेप का साइज इस तरीके से बड़ा करते हुए यहाँ पर आप लोग इस तरीके से प्लेस करते हुए इधर के साइड आपको मैनेज करते हुए आउटलाइन नो आउटलाइन करते हुए, और दोस्तों यहाँ पर इसी शेप्स को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको दो शेप्स आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। इस तरीके से आपको शेप्स बना लेना है और इसी को थोड़ा सा साइज कम करते हुए कंट्रोल और शिफ्ट और थोड़ा सा इसको मैं कम करूँगा साइज। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये वाला मुझे इसको कम करते हुए यहाँ पर इसको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर इसको प्लेस कर दूंगा। थोड़ा सा आपको गैप मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से इसको थोड़ा सा इधर करते हुए, इसको भी थोड़ा सा इधर करते हुए, और यहाँ से आपको गैप मेंटेन करते हुए इस तरीके से प्लेस करना है। इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करते हुए यहाँ से आपको थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करते हुए इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हुए इसको डिलीट करते हुए, और यहाँ से फिर से इसको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से कॉपी करते हुए थोड़ा सा आपको यहाँ पर गैप मेंटेन करते हुए इस तरीके से आपको प्लेसमेंट कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं दोस्तों, देख सकते हो। और इस तरीके से आपको सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा साइज में इसको भी कम करते हुए इसको थोड़ा सा इधर करते हुए मैनेज करते हुए इसी को यहाँ पर थोड़ा सा और इधर करते हुए इस दोनों को सेलेक्ट करते कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर दोनों को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट करते हुए दोस्तों देख सकते हो। सभी को यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा आपको नीचे करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट करते हुए इस तरीके से यूज कर सकते हो दोस्तों। देख लीजिए कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसको थोड़ा सा साइज कम करते हुए इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा साइज कम करते हुए इस तरीके से मैनेज करते हुए यहाँ पर आपको इमेजेस अप्लाई कर देना है। जस्ट इसके ऊपर में क्लिक करना है फॉर्मेट, और जस्ट आपको से फिल पिक्चर्स, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करते हुए जो भी आपको इमेजेस से वो इमेजेस यूज करना है। जैसे कि ये वाला इमेजेस मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, जस्ट इसको इंसर्ट कर दूंगा। ये वाला तो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर इसको मैं ये वाला इमेजेस इंसर्ट करूँगा दोस्तों, ये वाला जस्ट इंसर्ट। आप लोग देख सकते हैं इसको आपको सिंपली फॉर्मेट क्रॉप फिट करते हुए थोड़ा सा यहाँ से आपको मैनेज करते यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करते हुए आपके पास जो भी इमेजेस से वही इमेजेस यहाँ पर उठाकर यूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर ये वाला इमेजेस यूज कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर मैं इसको सिंपली फॉर्मेट पिक्चर्स, आपको जो भी एल्बम के लिए पिक्चर्स यूज करना है ये वाला इमेजेस इंसर्ट करते हुए इस तरीके से यूज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करते हुए पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करते हुए यहाँ पर आप लोग और इमेजेस यूज कर सकते हो। जैसे कि ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा आपको फॉर्मेट के ऊपर में क्लिक करते हुए यहाँ से क्रॉप फिट, और दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाला व्हाइट डॉट से इस तरीके से कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर मैनेज करते हुए इसको थोड़ा सा नीचे करते हुए इस तरीके से एल्बम क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट के ऊपर में क्लिक करते हुए दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको फिर से क्लिक करते हुए फॉर्मेट के ऊपर में जाकर से फिल पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करते हुए फ्रॉम फाइल करते हुए मुझे दोस्तों यहाँ पर एक इमेजेस यूज़ करना है। जैसे कि मुझे ये वाला इमेजेस पसंद है, इसको सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से यूज़ करूँगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कम्प्लीटली एक वेडिंग एल्बम क्रिएट होकर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो। ये वाला पीछे वाला बैकग्राउंड इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग बड़ा कर लीजिए ताकि दिखने में भी सुंदर सा एक प्यारा सा अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है। इसको आप चाहे तो सेलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा सा और बड़ा इस तरीके से करते हुए आप लोग देख सकते हो ये सभी को कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए
इधर के साइड इस तरीके से, राइट साइड की तरफ इस तरीके से प्लेस कर दो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको गैप मेंटेन करते हुए इस तरीके से यूज कर सकते हो दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर कितना प्यारा तरीके से इजीली काम वगैरह हो चुका है। जस्ट आपको इसको थोड़ा सा राइट साइड 2-3 बार आपको राइट करते हुए इस तरीके से आपको मैनेज करते हुए यहाँ पर भी, और इस दोनों को सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा इधर की तरफ इस तरीके से लिफ्ट करते हुए, थोड़ा सा इधर की तरफ इस तरीके से लिफ्ट करते हुए यहाँ पर आपको थोड़ा सा एल्बम जैसा लुक निकालने के लिए यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो ये गैप को भी थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस करने के लिए जस्ट आपको थोड़ा सा ऊपर करते हुए थोड़ा सा नीचे करते हुए इस तरीके से आपको मैनेज करते हुए यूज कर सकते हो दोस्तों। देख लीजिए कितना प्यारा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर कॉर्नर वगैरह कुछ बॉर्डर्स वगैरह एक लाइन वगैरह आपको यहाँ पर देना है तो भी यहाँ से आपको सेव करते हुए इस तरीके से आउटलाइन यूज करते हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको थोड़ा सा मैनेज करते हुए, और इसको थोड़ा सा इधर करते हुए सेव फिल नो फिल करते हुए यहाँ से दोस्तों आउटलाइन कलर व्हाइट वगैरह इस तरीके से देकर आपको डिजाइन के ऊपर में चेंजेस कर सकते हैं। इसको क्लिक करते हुए ये वाला लाइन को आपको क्लिक करते हुए थोड़ा सा ऊपर करते हुए यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा लाइन कलर व्हाइट देकर इसको थोड़ा सा आउटलाइन का वेट इस तरीके से बढ़ा करते हुए मैनेज वगैरह करते हुए यहाँ पर एल्बम जैसा लुक निकाल सकते हो। और यहाँ पर भी आपको लाइन वगैरह बनाने के लिए जस्ट इंसर्ट शेप्स और यहाँ से इस तरीके से ये वाला लाइन को आपको इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए शेप्स को सेलेक्ट करते हुए शेप फिल कलर नो फिल शेप आउटलाइन व्हाइट कलर का आउटलाइन देकर आपको यहाँ से थोड़ा सा व्हाइट इंक्रीज इस तरीके से करते हुए थोड़ा सा मैनेज वगैरह करते हुए आपको लाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। और आपको दोस्तों यहाँ पर वेडिंग एल्बम या फिर हैप्पी वेडिंग या फिर जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है वो टाइप कर सकते हो वेडिंग्स के लिए। जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हुए बड़ा स्टाइल वन होम नो स्पेसिंग करते हुए यहाँ से दोस्तों आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैनेज करते हुए थोड़ा सा फॉन्ट आपको यहाँ पर बड़ा करते हुए यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो हैप्पी वेडिंग। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ हैप्पी, तो इस तरीके से हैप्पी वेडिंग मैंने टाइप किया। इसको रोटेट करते हुए इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए यहाँ पर इसको प्लेसमेंट कर देना चाहूँगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी कलर वगैरह आपको पसंद है इस तरीके से वाइट कलर शेडोज वगैरह आपको टेक्स्ट के ऊपर में जो भी देना है इस तरीके से शेडोज वगैरह देकर आपको यहाँ पर मैनेज वगैरह कम्प्लीटली काम वगैरह इस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हैप्पी वेडिंग इस तरीके से टाइप करते हुए यूज़ किया है, आप लोग देख सकते हो। या फिर जो भी नेम वगैरह है कपल्स का वो नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे कि इसको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर टेक्स्ट को कम करते हैं, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप किया है, जस्ट इसको सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम करते हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने मैनेज करते हुए यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको थोड़ा सा नीचे करते हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वाले को थोड़ा सा ऊपर करते इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैनेज किया दोस्तों। देख सकते हो कम्प्लीटली यहाँ पर मैंने एक वेडिंग के लिए एल्बम डिजाइन क्रिएट कर चुका हूँ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर में। इसको आपको जस्ट फाइल के ऊपर में जाकर सेव एज़ के ऊपर में क्लिक करते हुए ब्राउज, और दोस्तों यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट सेव करते हुए डेस्कटॉप के ऊपर में जाकर आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ रमन वर्ड्स, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप किया है। जस्ट इसको सेव कर दूंगा डेस्कटॉप के ऊपर में। आप लोग देख सकते हो ये एक्जैक्टली प्रिंटेबल बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। जस्ट आप इसको फ्लेक्स प्रिंट से प्रिंट करते हुए इजीली इसको आप अपने वॉल के अंदर दीवार के अंदर इजीली टांग कर यूज कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर में ही वेडिंग एल्बम का डिज़ाइन क्रिएट करके आपको दिखा चुका हूँ। इसी तरीके से आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर में वेडिंग का एल्बम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल वाली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं बताऊँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।